हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक यूनिक क्राफ्ट आइडिया। आप देख रहे हैं ये दुर्गा जी का फेस, इसे मैंने एल्युमिनियम फॉइल और गत्ते से बनाया है। तो ये दोनों ही मटेरियल मुझे अपने घर में ही मिल गए थे। इसे बनाने का तरीका, तो पहले जो हमें चीजें चाहिए वो मुख्यतः हमें गत्ता चाहिए। तो ये पुराने जो पैकिंग गत्ते के बॉक्स आते हैं उन्हीं का यूज किया है। तो सारी शेप्स हम ड्रॉ कर लेते हैं और उन्हें हम कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बेस तैयार किया है और इसी बेस पर हम सारे पार्ट्स को पेस्ट करेंगे। लेकिन इन सारे पार्ट्स को पेस्ट करने से पहले हम इन्हें एल्युमिनियम फॉइल से कवर करेंगे। तो देखते जाइए मेरा ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा कि ये आर्ट पीस कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, मैंने पहले भी एल्युमिनियम फॉइल और गत्ते की क्राफ्ट शेयर की है। मैंने शिवजी और गणेश जी का एक वीडियो डाला था, मीम्स अपलोड किया था, तो उसे मैंने गत्ते और एल्युमिनियम फॉइल की मदद से ही बनाया था। लेकिन वहां पे टेक्निक दूसरी थी और यहाँ पे टेक्निक अलग है। यहाँ मैंने सारे पीसेस को कट किया है पहले और उन सभी पीसेस को मैंने कवर किया है एल्युमिनियम फॉइल से। ये देखिए सारे पीसेस कट करके रेडी हैं। ये जो मेरा बेस था, इस बेस के किनारे को मैंने टेपिंग कर ली है। ध्यान से देखते रहिए पूरा वीडियो। इसका जो लास्ट रिजल्ट है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये क्राफ्ट जो है गत्ते से और एल्युमिनियम फॉइल से बनी है। ये पूरा वीडियो जो है ना, मैंने दो पार्ट में बनाया है। एक पार्ट में मैंने इनका स्ट्रक्चर तैयार किया है, फेस का स्ट्रक्चर, और दूसरे पार्ट में कलरिंग की है। अब देखिए ये जो एल्युमिनियम फॉइल क्रश कर लेंगे, क्रश करने के बाद में इसे ओपन करेंगे धीरे धीरे, और ओपन करने के बाद में जितने भी पार्ट्स मैंने कट किए थे उन सब पे हम इन्हें पेस्ट करेंगे, यानी कि उन पार्ट्स को हम एल्युमिनियम फॉइल से कवर करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आप बैक साइड में फेविकोल लगाएं या ना लगाएं, वैसे भी आप इसको कवर कर सकते हैं। क्रश करना जरूरी है। ये फेस पार्ट है, ये देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट करके निकाल देंगे फाइल को, और इसे हम कट लगा लेते हैं। अच्छे से पेस्ट कीजिएगा। ये हमारा बेस था, बेस को भी मैंने सिल्वर पेपर से कवर कर लिया। ये सारे पीसेस मेरे कवर हो चुके हैं। अब इन्हें हम सेट करेंगे। पहले हम इनका फेस सेट कर लेंगे, ये फोरहेड यानी कि मस्तक, और ये नोज मैंने अलग से बनाई है उभार देने के लिए। अच्छे से पेस्ट कर देंगे। आंखें पेस्ट कर दी, तिलक पेस्ट कर दिया, और ये होंठ भी पेस्ट कर दिए। पूरा ये फेस पेस्ट करके
तैयार हो गया है। अब इनका मुकुट पे जो डिजाइनिंग है इसे हम पेस्ट कर रहे हैं। ये यहाँ पर हमने कहीं कहीं सुपर ग्लू का यूज किया है, तो पेस्ट करने के लिए दो चीजें इस्तेमाल की है मैंने, एक तो फेविकोल, दूसरा सुपर ग्लू। सुपर ग्लू से एल्युमिनियम फॉइल अच्छे से पेस्ट हो जाती है। आप ग्लू स्टिक का भी यूज कर सकते हैं पेस्ट करने के लिए, उससे भी अच्छी पेस्ट हो जाती है। ये देखिए, ऐसे ही हम सारी डिजाइनिंग पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए मुकुट का एक और पार्ट है, ये आप और भी चाहें डिटेलिंग कर सकते हैं, जितना खूबसूरत बना सके बना सकते हैं। ये छोटे छोटे पीसेस कट किए थे, कवर किए थे एल्युमिनियम फॉइल से, इन्हें भी पेस्ट कर दिया। ठीक, अच्छा सा मुकुट तैयार करना है आपको। मुकुट की डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इस यूनिक टेक्निकल यूज मैंने पहली बार ही किया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, सारे उभार कितने परफेक्ट आए हैं। अब मेरा वीडियो देखते रहिए ध्यान से, क्योंकि मैंने ये वीडियो दो पार्ट में बनाया है, तो दोनों ही पार्ट देखिएगा। और अगर आप कलरिंग नहीं करना चाहते हैं तो एक ही पार्ट आप देख सकते हैं, कलरिंग भी करना है तो दोनों पार्ट देखिए, क्योंकि कलरिंग भी कुछ अलग तरीके से की गई है। सारे ऑर्नामेंट मैंने सेट कर दिए हैं और कुछ कर रहे हैं। अब इनके जो ऑर्नामेंट है इस पे भी डिजाइनिंग करेंगे। ये इनके इयररिंग्स हैं बड़े बड़े से, डिजाइनिंग तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो भी ऑर्नामेंट्स बनाए हैं सब एल्युमिनियम फॉइल से ही बनाए हैं, कोई भी ऑर्नामेंट्स मैंने अलग से नहीं पहनाए हैं, इनको सारे सारे ऑर्नामेंट्स बनाए हैं, तुरंत के तुरंत बनाते जाइए और पेस्ट करते जाइए। बेस तैयार करना जरूरी है पहले। ये देखिए पूरी बन करके तैयार होने वाली है, बस कुछ डिजाइनिंग बाकी है। ये डिजाइनिंग भी हम कर लेंगे। इनके जो ईयर पे जो कैरी शेप में बने हैं उन पे डिजाइनिंग कर रहे हैं, इसके लिए मैंने ये उस लूप्स बना लिए हैं मोड़ करके। ये देखिए ये इसको कॉइल्स तैयार किया और पेस्ट कर दिया। तो देखें ना, सारी डिजाइनिंग करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल का ही यूज किया गया है, और एल्युमिनियम फॉइल तो आसानी से मार्केट में मिल जाती है, क्राफ्ट की दुकानों पे मिल जाएगी। और फिर अपना आइडिया लगाइए, कुछ इमेजिनेशन का यूज कीजिए और देखिए
एक सुंदर सा आर्ट पीस तैयार हो जाएगा। इस टेक्निक का यूज करके आप और भी बहुत सी चीजें बना सकते हैं। आप बताइए मुझे कि आपको किस तरह की चीजें देखना पसंद है, मैं उसी तरीके के वीडियो बनाऊंगा। बस आप कमेंट करते रहिए कि आपको क्या देखना है, क्या सीखना है। देखा कि इस एल्बम फाइल, कभी कभी हम एल्बम फाइल को यूज करने के बाद फेंक देते हैं, तो हम उस एल्बम फाइल का भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप लोग फ्रेश एल्बम फाइल का ही यूज करें। तो कुछ डिजाइनें देखिए कम पड़ रही थी, तो मैंने इनको फिर से बनाया है। बस थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, एक छोटे छोटे डिजाइन को कट करना, उन्हें कवर करना एल्बम फाइल से, पेस्ट करना, तो थोड़ा टाइम लेता है। ये पेशेंस की भी बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन इस पेशेंस का रिजल्ट बहुत ही खूबसूरत होता है जब एक सुंदर सी कलाकृति हमारे सामने बन करके तैयार होती है। तो जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये 50-60 रुपए में हमारा आर्ट पीस तैयार हो जाता है। और बनने के बाद में ये अमेजिंग लगता है। फ्रेम करने के बाद तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैंने दुर्गा जी के फेस जो हैं कई मीडियम में बनाए हैं, पेंटिंग, लिपन आर्ट, क्राफ्ट, क्ले में भी बनाए हैं। ये देखिए नक्शी भी मैंने एल्बम फॉइल से ही बनाई है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कलिंग हम इसकी दूसरे पार्ट में करेंगे, दूसरा पार्ट भी बहुत जल्दी ही आने वाला है। अब कलर करना चाहें तो करें, ना करना चाहे तो ऐसे ही इसको फ्रेम करा लें, तो ये ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।